हमारे तबलीगी जमात के अराकीन थे वो सबसे ज़्यादा हमारे पास नंबर जी ज़िला मुजफ्फरगढ़ में था और तकरीबन हमारे पास 1100 के करीब जो है वो लोग मौजूद थे। उनमें से अराउंड 400 जो है वो तबलीगी अराकीन जो है वो उनको हम वसीयत याब होके नेगेटिव होके घरों को रवाना ऑलरेडी हो चुके हैं। एक अच्छी जो खबर है वो ये है कि हमारे पास 28 लोग इन तबलीगी अराकीन में से वो भी थे जो फॉरनर थे, फॉरेन नेशनल्स थे। 28 लोगों में से 13 का रिजल्ट आज ही हमें मौसूल हुआ है और वो नेगेटिव हो गए हैं और आज ही उनको रवाना किया जा रहा है लाहौर में, क्योंकि इसका SOP यही है कि हम कमिश्नर लाहौर को जो है वो उनके पास भिजवाते हैं और फिर आगे जो है हुकूमत पंजाब ने उनका बंदोबस्त कर रखा है कि जो उनको अपने ममालिक में वापस भिजवाना है। इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि जो हमारे ज़ायरीन जो डेरा गाजी खान में सबसे पहले आए थे वो 829 कुल तादाद थी। इस वक्त वहाँ से भी एक अच्छी खबर मैं कहूँगा कि ये है कि जो बकाया हमारे ज़ायरीन थे 40 जो हमने सैंपल्स भिजवाए थे उनमें से भी जो है 36 सैंपल्स जो है वो नेगेटिव हैं। 4 हमें रिपीट के लिए कहा गया है, 36 का जो है वो हमने दोबारा आखिरी टेस्ट जो SOPs के मुताबिक है वो भिजवा दिया और हमें उम्मीद है कि आज रात या कल तक अगर वो हमें उनका रिजल्ट मिल जाता है और वो नेगेटिव होते हैं तो इंशाल्लाह उनको भी अपने घरों को रवाना कर दिया जाएगा। तो ओवरऑल जो है वो